आज का हम लोग का पहला प्रश्न है, 12 पारियों के बाद एक बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 55 था, 14 पारियों के बाद उसका औसत स्कोर बढ़कर 60 हो गया। यदि बल्लेबाज ने 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाए थे तो उसने 13वीं पारी में कितने रन बनाए थे? क्या बोल रहा है? 12 पारी में औसत रन 55, 14 पारी में औसत रन 60 बनाया गया। यदि बल्लेबाज 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक बनाता है तो 14वीं पारी के पहले कौन पारी खेला होगा? 13वां पारी में, यानी कि जितना 13वां पारी में बनाया गया उससे 20 रन अधिक बनाता है कब? 14वीं पारी में। तो 13वीं पारी में कितना रन बनाया ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग सेट करेंगे किस से? अपना बेसिक फॉर्मूले से। तो बेसिक फॉर्मूला क्या होता है हम लोग का? नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम, यानी कि संख्या गुने औसत बराबर होता है योग। अब संख्या में यहाँ किस संख्या को रखेंगे हम लोग? एक संख्या तो 12 पारी दे रहा है, दूसरा संख्या 14 पारी दे रहा है। तो 14 में से 12 को घटाएंगे तब 2 पारी का निकलेगा। और घटाएंगे क्यों? क्योंकि 13वां पारी और 14वां पारी जानना है हम लोग को। तो 13वां पारी 14वां पारी ये एक्स्ट्रा 2 पारी खेला गया, तो इस एक्स्ट्रा 2 पारी को निकालने के लिए 14 पारी में से 2 पारी को घटाना होगा, इसलिए 14 वाले को हम लोग पहले रखेंगे। तो 14 पारी में टोटल औसत रन कितना बनाया गया? 60 रन, औसत 60, 60 रन है, औसत 60 रन बनाया गया। 12 पारी में औसत स्कोर कितना बनाया गया? 55, मतलब रन। तो 12 पारी में औसत रन कितना बनाया गया? 55 रन बनाया गया। अब हम लोग योग ज्ञात करेंगे। 14 पारी में औसत 60 रन बनाया गया, तो टोटल कितना रन बनाया गया? गुना करेंगे 14 × 6 = 84, 840। 12 पारी में औसत 55 रन बनाया गया, तो टोटल कितना रन बनाया गया? 12 में 55 से गुना करेंगे, 12 × 5 = 60, और 12 × 5 = 60 = 66। यहाँ कितना आ जाएगा? 14 में से 2 घटाएंगे 2 पारी, क्या आ जाएगा हम लोग का? 2 पारी बराबर, 2 पारी में टोटल कितना रन आया? 14 पारी में बनाए गए रनों में से 12 पारी में बनाए गए रनों को घटा लेंगे तो हम लोग का 2 पारी में बनाया गया टोटल रन आ जाएगा। तो 0, 8, 14 × 1, 6, 7, 1, 8, यानी 2 पारी में टोटल 180 रन बनाया गया। लेकिन ये 2 पारी है कौन कौन? तो यही 2 पारी है, 12 पारी के बाद 13वां पारी प्लस कौन? 14वां पारी। टोटल कितना बनाया गया? 180 रन बनाया गया। अब बोल रहा है कि 14वीं पारी में पिछली पारी की तुलना में, पिछली पारी की तुलना में 20 रन अधिक, तो 14वां के पहले कौन पारी खेला गया होगा? 13वां पारी। तो 13वां पारी में जितना रन बनाया गया था उससे 20 रन अधिक बनाता है कब? 14वीं पारी में। तो मान लिए कि 13वां पारी में रन बनाया गया x, तो इससे 20 रन ज्यादा बनाया कौन? 14वीं पारी में बनाया गया होगा, तो x प्लस 20 हो जाएगा, यानी 13वां पारी में रन इतना, 14वां पारी में इतना, तो टोटल कितना? तो टोटल यहाँ दे ही रहा 180। अब इस 20 को यहाँ से हटाएंगे, 20 यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, x और x को जोड़ेंगे 2x आएगा, और यहाँ घटा देंगे 180 में से 20 को तो आ जाएगा 160। 2 से काटेंगे, 2 × 8 = 16, x का मान कितना आ गया? 80। और x का मान मतलब क्या पूछ रहा? 13वीं पारी में कितना रन बनाया गया, तो 13वीं पारी को ही माने थे x, और x का मान ही आया 80, यानी 13वीं पारी में कितना रन बनाया गया? ऑप्शन नंबर सी, 80 रन बनाया गया।
हम लोग का अगला प्रश्न है, 10 पारियों के बाद किसी बल्लेबाज का प्रति पारी औसत स्कोर 52 था, 12 पारियों के बाद औसत स्कोर बढ़कर इतना हो गया। यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाए तो 11वीं पारी में कितना रन बनाया, ज्ञात करना है। क्या बोला है, 10 पारी में औसत स्कोर कितना 52, 12 पारी में औसत स्कोर 54। सबसे पहले इसी को हम लोग सेट करेंगे, 10 पारी के बाद 12 पारी, टोटल कितना पारी ज्यादा खेला, 10 से 12 यानी 2 पारी ज्यादा खेला, और उस 2 पारी में कौन कौन है, 11वां पारी और 12वां पारी, और 11वां का ही तो निकालना है, तो 2 पारी में 11 और 12 दोनों पारी का टोटल योग आएगा, तो योग कैसे आएगा, 12 पारी में खेल बनाए गए रनों को, रनों में से 10 पारी के रनों को घटा देंगे तो आ जाएगा हम लोग का क्या, 11वां और 12 पारी का टोटल योग। तो निकाल लेते हैं, नंबर इनटू एवरेज इज इक्वल टू होता है सम यानी योग। 12 पारी को पहले रखेंगे क्योंकि 12 में से 10 पारी को घटाना है, तो जिसमें से घटाना है उसको हम लोग ऊपर रखते हैं, तो 12 पारी में औसत स्कोर कितना 54, 10 पारी में कितना 52। अब 12 पारी में औसत स्कोर इतना बना तो टोटल कितना बना, तो टोटल के लिए क्या करेंगे, 12 में 54 से गुना करेंगे, 12 चौक 48 के 8 4, 12 5 60 4 64, इसको गुना करेंगे, 10 पारी में 52 औसत रन बनाएगा, औसत 52 रन, तो टोटल कितना 10 में, तो गुना करेंगे 520 हो जाएगा, घटाएंगे 12 में से 10 कितना आ गया 2 पारी, ये हो जाएगा 2 पारी, तो 2 पारी का टोटल रन कितना हो जाएगा 8 2 1, यानी 2 पारी में टोटल कितना रन बनाया गया 128 रन। लेकिन ये 2 पारी है कौन कौन, 10 पारी के बाद 12 पारी यानी 11 और 12 पारी, तो 11वीं पारी प्लस 12वीं पारी, टोटल कितना स्कोर 128। अब बोल रहा है कि यदि बल्लेबाज ने पिछली एक पारी की तुलना में 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया, 12वीं पारी में 16 रन अधिक बनाया पिछली की तुलना में, तो 12वीं पारी के पहले कौन पारी खेला गया होगा, 11वां पारी, यानी यदि 11वां पारी में 1 रन बनाया गया तो 12वां पारी में इससे 16 रन अधिक बनाया गया, तो 1 प्लस कितना हो जाएगा 16, तो प्लस यानी 11वां पारी का रन प्लस 12वां पारी का रन टोटल कितना 128। इस 16 को यहां से हटाएंगे माइनस 16 हो जाएगा, इस x और x को जोड़ेंगे 2x हो जाएगा, और यहां घटाएंगे दोनों कितना आ जाएगा 2 1 1, 2 से काटेंगे 2 5 10, 2 6 12, x का मान कितना आ गया 56, और x किसका है 11 का, तो 11वीं पारी को x माने थे और x का मान आ गया 56, पूछ क्या रहा था कि 11वीं पारी में कितना बनाया गया, तो 11वीं पारी में कितना बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी 56 रन। हम लोग का अगला प्रश्न है, 10 संख्याओं का औसत कितना है 8 है, यदि प्रत्येक संख्या को 2 से विभाजित यानी भाग किया जाता है तो इस प्रकार प्राप्त संख्याओं के नए समूह का औसत क्या होगा, नए समूह का औसत क्या होगा, क्या बोल रहा है करने के लिए, प्रत्येक में 2 से भाग देने के लिए, तो प्रत्येक में 2 से भाग देने का मतलब है कि औसत क्या होता है, औसत का मतलब ही होता है प्रत्येक संख्या, औसत संख्या का मतलब ही होता है प्रत्येक संख्या, और बोल रहा है प्रत्येक संख्या में 2 से भाग दिया जाए, तो प्रत्येक संख्या का मतलब 8, 8 में 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 4, यानी नया औसत कितना हो गया 4 हो गया, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 4।
अगर यही बोलता कि प्रत्येक संख्या में दो से गुना कीजिए तो क्या करते हैं, औसत में ही हम लोग दो से गुना कर देते तो हम लोग का आंसर क्या हो जाता, 16। अगर बोलता कि प्रत्येक संख्या में से दो से घटा दीजिए तो नया औसत क्या होगा, तो क्या करते हैं, प्रत्येक का मतलब औसत में ही से ही दो को घटा देते हम लोग का आंसर 6 हो जाता। अगर बोलता कि प्रत्येक संख्या में दो जोड़ दीजिए तो औसत में ही क्या करते हैं, हम लोग दो को जोड़ देते हम लोग का ये आंसर हो जाता। तो फिलहाल हम लोग का क्या बोला था, भाग देने के लिए, तो भाग दिए तो कितना आ गया, 4। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर बी 4 आंसर हो गया। हम लोग का अगला प्रश्न है, 21 प्रेक्षणों का माध्य 42 है, यदि दिए गए 21 प्रेक्षणों में से, 21 प्रेक्षण ही है लेकिन 21 प्रेक्षण में से पहले 11 का माध्य 50 तथा अंतिम 11 का माध्य 35 है तो 11वें प्रेक्षण का मान ज्ञात कीजिए। क्या करेंगे इसको हम लोग, इसको साधारण अगर देखा जाए तो कुछ नहीं करना है, 11 प्रेक्षण का माध्य इतना दिया है टोटल योग निकालेंगे, 11 का माध्य 35 दिया है टोटल योग निकालेंगे, 11 हो जाएगा 22 और 22 में से 21 प्रेक्षण का टोटल योग को घटा लेंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। लेकिन ऐसा किया क्यों जाता है ये थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, टोटल प्रेक्षण कितना है, 21 है, हम लोग 21 खींचते हैं एक बार, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 पूरा नहीं आ रहा है, ठीक से हम लोग को खींचना पड़ जाएगा, थोड़ा सा और पीछे से लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 टोटल हम लोग का 21 प्रेक्षण हो गया। लेकिन क्या बोल रहा है, पहले 11 प्रेक्षण, पहले 11 यानी कि पहले से 11 आ गया, यहाँ हम लोग यहां से बढ़ना है यानी प्रथम संख्या से बढ़ना है, अब बोला अंतिम 11 यानी अंतिम से 11वें स्थान पहुंचना है, यहां से हम लोग पहुंचेंगे 11वें स्थान पर, तो यहां से 11वें स्थान में पहुंचे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यहां पहुंच गए हम लोग। अब यहां से पहुंचते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 यानी कि 1 से और 21 से काउंट करने पर 11 कितनी बार गिना गया, 2 बार, और यही 11 दो बार गिनने के कारण ये 11 और ये 11 जोड़ दे रहे हैं हम लोग, तो 21 के जगह पर क्या आ जा रहा है, 1 ज्यादा यानी 22 आ जा रहा है, तो 11 कितना बार काउंट हो गया, 2 बार, 11 दो बार काउंट हो गया तो क्या करेंगे, 22 प्रेक्षण का निकाल कर उसमें से 21 प्रेक्षण का टोटल योग को घटा देंगे तो हम लोग का 11वां प्रेक्षण आ जाएगा, क्योंकि 22 किसके वजह से हुआ, यही 11 दो बार काउंट होने के वजह से हुआ, यानी 11 दो बार गिना गया, इसलिए हम लोग क्या करते हैं टोटल में से घटा देते हैं तो जो आता है वो हम लोग का यही निकल जाता है, यानी कि बार बार जिसका रिपीटेशन हुआ है, तो 11 प्रेक्षण यहाँ, 11 प्रेक्षण यहाँ, तो बार बार 11 रिपीट हो रहा है, इसका मतलब कि 11 को ही दो बार गिन लिया गया। हम लोग बनाते हैं इसको कि बनाया कैसे जाएगा, तो सबसे पहले छोटा छोटा जो टुकड़ा किया गया उसको निकालेंगे, यानी कि 21 प्रेक्षण का माध्य ये बड़ा वाला ये, इसको अलग कर लिए, अब पहले 11 प्रेक्षण का माध्य 50 फिर अंतिम प्रेक्षण का माध्य 35, यानी 21 का दो टुकड़ा किया गया, पहला 11 और अंतिम 11, पहले इन दोनों का निकालेंगे हम लोग, तो पहले 11 प्रेक्षण का टोटल योग कितना हो जाएगा,
तो हम लोग का होता है नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम, यही होता है। तो पहले 11 परीक्षण का माध्य 50, पहले 11 का माध्य कितना हो गया 50, अंतिम 11 का माध्य 35, अंतिम 11 का माध्य 35, पहले इन दोनों का योग निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 22, जिसमें 22 में क्या हो जाएगा 11 हम लोग का रिपीट हो जाएगा। 11 पचे 55 और 11 से 35 को गुना करेंगे 5, 5, 3, 8, 3। गुना कैसे हुआ 11 से, 11 से जब हम लोग गुना किए 35 में तो करना कुछ नहीं है, यहाँ इकाई अंक पहले लिख लेते हैं फिर इसको जोड़ लिए 5, 3, 8 और फिर इसको ऐसे ही उतार लिए हम लोग, तो ये हो गया 385। अब 11 और 11 टोटल कितना परीक्षण हो गया 22 परीक्षण, जिसमें 11वां परीक्षण क्या है रिपीट किया है यानी दो बार आ गया, जिसके वजह से योग कितना आ जाएगा 5, 8, 5, 13, 5, 3, 8, 1, 9। 22 परीक्षण का टोटल योग ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें से 21 परीक्षण को घटाएंगे तो 21 परीक्षण का टोटल योग कितना आ जाएगा, तो 21 परीक्षण का औसत है 42, तो 42 को गुना करेंगे तब ना नंबर इंटू औसत बराबर योग आ जाएगा, तो 21 दूना 42 के 2 4, 21 चौक 84 4 88। अब 22 में से 21 जाएगा तो 1 आएगा, और ये 1 कौन है जो रिपीट हो रहा था, कौन बार बार आ रहा है, 11 को दो बार गिना गया यानी कि 11वां परीक्षण, क्या बोलेंगे हम लोग ये कौन है 11वां परीक्षण, 11वां परीक्षण का मान कितना आ जाएगा, माइनस कर रहे हैं ना यहाँ एक कहाँ था, माइनस करने के बाद तो यहाँ भी माइनस करेंगे घटा देंगे हम लोग, 5 में से 2 गया 3 और 8, 5, 13 53 आया, ये हो गया खत्म, यानी कि 11वां परीक्षण का मान कितना आ गया 53, यही निकालना था, तो ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर हो जाएगा 53। हम लोग का अगला प्रश्न है 11 संख्याओं का माध्य 44 है, ये खत्म, अब क्या कर रहा है उसी को तोड़ रहा है, यदि पहले 6 संख्या का माध्य 39 और अंतिम 6 संख्या का माध्य 48 तो छठी संख्या ज्ञात कीजिए, यहाँ भी वही काम किया है यानी 11 परीक्षण है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, क्या बोला पहली 6 का माध्य यानी पहले से छठा, बोला अंतिम 6 यानी अंतिम से भी छठा, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इधर से भी इन्हें गिनेंगे तो 6 यानी कि 6 को कितना बार काउंट कर लिया गया, एक तो यहाँ आया और एक इधर, यानी कि यहाँ से गिनते हैं हम लोग तो यहाँ पर आए और यहाँ से काउंट किया यहाँ, यानी कि 6 को दो बार गिन लिया गया, जिसके वजह से 6 और 6 कितना हो जा रहा है, ये 12 हो जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में कितना संख्या है, एक संख्या घटा देंगे तो हम लोग का 11 संख्या ही है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे 6 संख्या का माध्य से 6 का योग निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का योग आ जाएगा, फिर अंतिम 6 संख्या का माध्य से टोटल योग निकालेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का योग आ जाएगा, जिसमें छठा संख्या दो बार जुट गया है, तो हम लोग काम करेंगे क्या, नंबर इंटू एवरेज इज इक्वल टू सम, नंबर कितना 6, इसको हम लोग बाद में काउंट करेंगे क्योंकि पहले किससे आएगा ज्यादा 6 और 6 12 आएगा, यानी कि जिससे ज्यादा आ रहा है 11 का ही, यानी 11 संख्या ही है लेकिन इसको पहले से गिना और अंतिम से गिना, यानी जहां बोला पहले पहले अंतिम, यानी इसी का दो टुकड़ा किया गया तो दोनों टुकड़ा को पहले क्या करेंगे हम लोग एक जगह करेंगे, तो 6 संख्या का माध्य पहले 6 संख्या का माध्य कितना 39 और अंतिम 6 का माध्य कितना 48, गुना कर लेंगे तो टोटल योग आएगा, तो 9, 6, 54 के 4, 5 और 3, 6, 18 8, 5, 13, 23। अब इसमें गुना करेंगे तो 6, 8, 48 के 8, 4 6, 4 के 24 24, 4, 28 टोटल कितना हो जाएगा 12
संख्या, टोटल 12 संख्या का योग कितना आ जाएगा, 8 चार 12 दो हाथ में 1 2 4 5, यानी टोटल 12 संख्या का योग 522 आया, जिसमें कि छठा संख्या दो बार काउंट हो गया। अब क्या करेंगे, 11वां संख्या यानी टोटल 11 संख्या के योग को इसमें से घटा देंगे, तो 11 संख्या का माध्य कितना 44, गुना करेंगे तो योग कितना हो जाएगा 4 4 4 8 4, 12 में से 11 गया 1 और ये 1 कौन है, यही है छठा संख्या, कौन है, यही हम लोग का है छठवीं संख्या, कितना आ जाएगा 8 4 12 दो हाथ में 1 8 1 9 9 2 8 3 11 3, यहां से खत्म, कितना आ गया 38 आ गया, यानी छठा संख्या कौन हम लोग का है 38, तो छठी संख्या ज्ञात करना था, ऑप्शन नंबर सी हम लोग का आंसर हो जाएगा।